चैत्र पूर्णमासी को देश के कोने कोने में हनुमान जयंती मनाई गई। इसी बीच बवाना नहर वाले बाबा मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया। वह महायज्ञ के साथ रामचरित्र कथा का आयोजन किया गया। सुबह से भक्त महाबली राम भक्त हनुमान को अपनी अपनी श्रद्धा के पुरस्कार भेंट करते नजर आए। आइए जानते हैं नहर वाले बाबा की क्या मान्यता है। मैं अशोक कुमार नांगर ठाकरान से और यहाँ बाबा के यहाँ सेवक हूँ, कमेटी का मेंबर हूँ। कितने वर्ष हो गए इसको बने हुए? इसको तो बहुत बहुत पुरानी मान्यता है। यहाँ पहले बॉर्डर पर एक्सीडेंट होते जब से बाबा का वो यहाँ हुआ है यहाँ से, और ये पवाना बाबा धाम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये बड़ी नहर है, इसको समिति चला रही है। समिति के सभी ग्रामवासी चला रहे हैं, सब मिलके आम जनता के सहयोग से होता है। समिति और क्या क्या कार्य कर रही है यहाँ? सभी कार्य है, ये धर्मशाला बन गई 3 मंजिली, ठीक है, और भी कार्य चलते रहते हैं। हनुमान जयंती उपलक्ष्य में गरम गरम की शादी, लाखों आदमियों का भंडारा होता है यहाँ बाबा धाम पर। ये सब बाबा का आशीर्वाद है। यहाँ बवाना नहर वाले बाबा के दर्शन को भारी संख्या में भक्त आते रहते हैं, भारी भीड़ लगी रहती है। इसी बीच प्रशासन की परेशानी का सबब बनी मुनक नहर के ऊपर से नरला बवाना को जोड़ता रोड पुल बना हुआ है। यहां पर सिंचाई विभाग की भारी अनदेखी देखी जा सकती है। मुनक नहर पर बने पुल की पुलिया टूटी पड़ी है। टूटी दीवार के सहारे से गुजरते हुए राहगीर कभी भी बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। अगर इसे जल्दी ठीक नहीं किया गया तो आने वाला समय भयंकर हादसा लेकर आएगा। प्रशासन को इसकी जानकारी स्थानीय निवासी दे चुके हैं। मंदिर परिसर के व्यक्ति भी इस घटना को प्रशासन को बता चुके हैं, और यहां से अधिकारी और मंत्री नेता भी गुजरते रहते हैं, लेकिन शायद उन्हें हादसे का इंतजार है। टैलेंट ऑफ इंडिया से रोहतास सिंह योगी।